हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फैट एंड ऑयल्स के बारे में। ठीक है, ये जो टॉपिक है वो आता है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 यूनिट नंबर 3 और सेमिस्टर भी 3। ठीक है, लास्ट हमने यूनिट नंबर 2 कंप्लीट किए और जीटीयू के क्वेश्चन भी कर दिए हैं, तो आप जाके वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे फैट एंड ऑयल्स के बारे में। फैट एंड ऑयल्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और लिपिड की फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, फैट एंड ऑयल्स जो होते हैं वो नेचुरल अकरिंग एस्टर होते हैं। ठीक है, ये कॉमन चीज़ें मैंने पहले लिखी है, इंट्रोडक्शन देखेंगे हम अभी। ठीक है, तो फैट जो होते हैं वो एनिमल से फाउंड किए जाते हैं और ऑयल जो होते हैं वो एनिमल एंड प्लांट दोनों में से फाउंड किए जाते हैं। ठीक है, तो पहले हमने क्या देखा कि भाई जो हमारा फैट एंड ऑयल्स है, ठीक है, वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लिपिड की फैमिली से बिलोंग करते हैं, दोनों नेचुरल अकरिंग एस्टर है। फैट जो होते हैं वो एनिमल में से फाउंड किए जाते हैं और हमारे जो ऑयल होते हैं वो एनिमल एंड प्लांट दोनों में से फाउंड किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद के फैट एंड ऑयल्स जो है वो एस्टर है, वो तो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, एस्टर है, तो एस्टर है मतलब क्या है, एस्टर मतलब क्या कि वो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल से बनते हैं। ठीक है, दोनों, लेकिन दोनों में एक ही चीज़ कॉमन है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, जो फैट एंड ऑयल्स है, ठीक है, उसमें एक ही डिफरेंस है कि फैट जो है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड दोनों फैटी एसिड से बनते हैं, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल से बनते हैं, लेकिन फैट में जो होते हैं फैटी एसिड वो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है और ऑयल में जो होता है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है प्लस ग्लिसरॉल। इसमें सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड। ठीक है, एग्जाम्पल में देखें हम फैट में तो वूल फैट और ऑयल्स में देखें तो ऑलिव ऑयल। ठीक है, तो ये कैसे बनते हैं, मतलब एस्टर तो है लेकिन फैट जो है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल और ऑयल जो है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ठीक है, तो ये उसका इंट्रोडक्शन है, आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि भाई फैट एंड ऑयल्स का जो डिफरेंस है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन फैट एंड ऑयल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फैट जो है वो सॉलिड होता है एट अ रूम टेम्परेचर, ऑयल जो होता है वो लिक्विड होता है। फैट जो है मोर स्टेबल होते हैं और ऑयल जो होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं। फैट जो होते हैं वो एनिमल्स में से फाउंड किए जाते हैं और ऑयल्स जो होते हैं एनिमल एंड प्लांट दोनों में से फाउंड किए जाते हैं। उसके बाद है कि भाई फैट जो है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड है और ऑयल जो है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। ठीक है, उसके बाद जो फैट रहता है उसके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है और ऑयल के पास लो मेल्टिंग पॉइंट रहता है। ठीक है, तो फैट के जो एग्जाम्पल है उसमें आएगा घी, क्रीम, मीट। ठीक है, और ऑयल में आएगा हमारा कोकोनट ऑयल, ऑयल ऑयल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन फैट एंड ऑयल्स, आप देख सकते हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स के बारे में। ठीक है, तो एप्लीकेशन में क्या आएगा कि भाई फैट एंड ऑयल है वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, फिर फूड स्टफ बनाने में। ठीक है, फिर पेंट में, पॉलिश में, कॉस्मेटिक में, लुब्रिकेंट में, इस सब में ये यूज़ किया जाता है और कैंडल्स, एक्सप्लोजिव और प्लास्टिक की मैन्युफैक्चर में यूज़ किया जाता है। फैट एंड ऑयल होते हैं वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और वो बॉडी में जो इंक्रीज मेटाबॉलिज्म करते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो होती है उसको इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा कि फैट एंड ऑयल्स किसे बोलते हैं, ठीक है, और फिर उसके बारे में उसका डिफरेंस देखा और लास्ट में हमने देखा कि एप्लीकेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स। ठीक है, थैंक यू।